हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टा चैनल। अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या तो डायरेक्ट इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली जब आप तो कॉमनेस्ट क्वेश्चन ये होता है कि जब भी हम अपने फ्रेंड्स लोग या रिलेटिव लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन करते हैं तो ये क्वेश्चन जरूरी आता है, या तो हमारे सो कॉल्ड इंटेलिजेंट फ्रेंड हमें जरूरी बताते हैं कि या तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट इक्विटी में करना चाहिए। जब मेरा फाइनेंशियल आईक्यू बहुत लो था तो मैंने एक्चुअली ये देखा था कि कई जो दूसरे फ्रेंड है वो सो कॉल्ड खुद को इंटेलेक्ट समझते हैं, वो लोग मुझे वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि डायरेक्ट इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर बेटर रीजन, बेटर रिटर्न्स। बट एक्चुअली मैं सच बताऊं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सच ये है कि सच कुछ और ही है जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता देना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो आप और मेरे जैसे होते हैं, जो कि मिडिल क्लास, रिच, HNI, उनसे पैसा लेते हैं। मतलब यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फ्रॉम 500 रुपीज। सिर्फ 500 रुपये से हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और कई लोग मंथली 10,000, 20,000, 1 लाख रुपीज करते हैं, तो इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ये सब इन्वेस्टर लोगों के पैसे कलेक्ट करता है, और ये पूल ऑफ जो मनी होता है वो फंड मैनेजर, मतलब म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, उसके पास आता है, जिसके पास प्रोफेशनल टीम होता है। ये टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके पास ये टीम के अंदर रिसर्च एनालिस्ट और ये सब रहते हैं, और ये स्टॉक मार्केट में से सिक्योरिटीज को चूज करके उसमें इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो बनाते हैं और रिटर्न जनरेट करते हैं, और यही रिटर्न वो लोग इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर देते हैं। और इसके बदले में इनका फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, जो कि इंडियन इक्विटी के केस में अराउंड 2 to 2.5% पर एनम होता है। सो सपोज कोई म्यूचुअल फंड 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स का एसेट्स मैनेज कर रहा है, इक्विटी फंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो एनुअल फंड एक्सपेंस उसका 2 to 2.5% रहता है, जो कि अराउंड 1,000 करोड़ में से 2.5% इज समथिंग लाइक 25 करोड़ रुपीज। सो दैट इज हाउ दे म्यूचुअल फंड देमसेल्व्स अर्न मनी। सो अभी ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में। कई लोग एक्चुअली ये जस्टिफिकेशन देने की ट्राई करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने म्यूचुअल फंड से वेरी बेटर रिटर्न जनरेट किए, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं तो ये अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस होना है तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली एवरेज से अबोव रिटर्न जनरेट करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर सपोज आपके पास जॉब है, या तो अगर आप इंडिविजुअल है, तो ये स्टॉक मार्केट में शायद आप एक दो स्टॉक में करके कर सकते हैं रिटर्न जनरेट, लेकिन कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है कि यूजुअली अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है अपना, तो क्या है कि आपके पास कैपिटल ज्यादा चाहिए। सपोज आपके पास सिर्फ 10,000 रुपीज है तो भी यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, एंड बिकॉज म्यूचुअल फंड ड्रॉज मनी फ्रॉम पूल ऑफ फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो कैसा है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपेरेटिवली लो रिस्क होता है, एंड सेकंड एड, जबकि स्टॉक डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कैसा है कि रिस्क आपका बढ़ जाता है, क्योंकि सब डिसीजन आपको खुद को लेने पड़ते हैं। अभी सेकंड थिंग ये है कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, बराबर। तो क्योंकि वो जो फंड मैनेजर होता है, ये जो फंड मैनेजर है, ये फंड मैनेजर इतना ये होता है कि अपना बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं फंड मैनेजर, और उनको एक्सपीरियंस होता है मार्केट के डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में परफॉर्म करने का। और वो डेडिकेटेड होते हैं, जो कि फुल टाइम उनका जॉब होता है पोर्टफोलियो को मैनेज करना। जबकि अगर आप खुद अपने हिसाब से ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या है कि अगर आपका तो देन मेरा क्वेश्चन ये है कि देन हाउ विल यू फोकस ऑन योर डे टाइम जॉब। आप अपने डे टाइम जॉब पर फोकस कैसे करेंगे? मैंने मैंने कई लोग ऐसे देखे हुए हैं कि जो जो स्टॉक मार्केट खुद को मैनेज करने के लिए जाते हैं थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न के लिए, वो लोग फिर अपने जॉब में इतना फोकस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एडवांटेज ये हो जाता है कि फंड मैनेजर एंड हिज टीम विल डे एंड नाइट टेक केयर ऑफ योर मनी।
और अनदर थिंग, दूसरा एक एडवांटेज ये है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कंपेरेटिवली लेस वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स के मनी पूल करके उनके पास बड़ा कैपिटल होता है, जैसे कि 500 करोड़, 3,000 करोड़, इतना बड़ा पैसों का कैपिटल होता है, मूडी या पूंजी बोलते हैं। तो ये कैसा होता है कि ये इसको डाइवर्सिफाई करते हैं प्रॉपर तरीके से इसमें, जबकि अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस नहीं होते हैं, तो आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास जो लिमिटेड कैपिटल होता है आपके या हमारे पास, उससे हम लोग ज्यादा ज्यादा स्टॉक में डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कैपिटल थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो ये म्यूचुअल फंड का ये एडवांटेज रहता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, सो रादर देन इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी, अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो बेटर सिलेक्टेड है, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है डाइवर्सिफिकेशन का, जो कि आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर के तौर पे आप अपने छोटे से कैपिटल से नहीं करते हैं कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम मिल जाएगी, तो ये जो टीम होती है वो एक्चुअली डे एंड नाइट उनका जॉब यही होता है कि दे इन्वेस्ट योर मनी एंड टेक केयर ऑफ योर मनी। तो अगर आप खुद डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने बिजनेस या तो जॉब पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि क्या है कि आपको खुद इतना टाइम और एनर्जी इसमें लगाना पड़ेगा, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक बार आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो सारा हेडेक जो होता है वो उनकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम का हो जाता है। अभी दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि टैक्स इफेक्टिवनेस, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और अगर लेस देन 1 ईयर में अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और ये सब लगता है, जबकि जो आपका फंड हाउस है वो कितनी भी बार ईयर के दौरान पोर्टफोलियो रिशफल करता है, फिर भी वो केस के अंदर कैसा होता है कि आपको तो आपका टैक्स ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, जो कि मैं अपने अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। अनदर थिंग ऐसा है कि आप म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी फंड्स में आप एसआईपीस कर सकते हैं, और मतलब सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करके मार्केट की वॉलेटिलिटी को ये कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट इक्विटी में ये करना बहुत मुश्किल है। देन वेराइटी टू एक्सप्लोर का भी बेनिफिट है कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, एंड रिलेटिवली लेस रिस्की हो जाते हैं इक्विटी फंड्स, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर उनके पास कैपिटल होता है इन्वेस्टरों का, आप और मेरे जैसे थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टरों का, तो क्या होता है कि वो डायरेक्टली वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम लोगों का कैपिटल। तो डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर होने की वजह से रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आपको डायरेक्ट इक्विटी की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। अभी यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी एट पेट्रियन, तो पेट्रियन एक वेबसाइट है, patreon.com/investor, इन्वेस्टर जो कि है ये हमारे चैनल का नाम है। तो अगर आप ये पेज पर अगर चले जाएंगे तो आप सब्सक्रिप्शन करके हमारा ये कर सकते हैं। देखिए तो ये है, सी आप देख सकते हैं कि patreon.com/investor, अगर आप ये पेज, इसका लिंक भी मैं ये वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, तो इसके अंदर एक्चुअली दो टायर है, गोल्ड टायर एंड प्लेटिनम टायर, ये दो प्रकार के टायर होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनसाइड द पेट्रियन वेरी डिटेल वीडियो और मेरे पर्सनल सजेशन और वो सब भी होते हैं, तो आप श्योरली इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो हैप्पी इन्वेस्ट।